ताजमहल में फिर पर्यटकों ने के नियमों की धज्जियां उड़ा दी। बता दें कि दिल्ली से महिला पर्यटक ताजमहल देखने आई थी। मोहब्बत की निशानी ताजमहल में प्रवेश करने के बाद महिला पर्यटक सेंट्रल टैंक के पास डांस करने लगी। उसका साथी महिला पर्यटक का डांस का वीडियो बनाने लगा। जैसे ही CISF और ASI को इसकी भनक लगी तो वह तुरंत मौके पर पहुंच गए और महिला पर्यटक को हिरासत में ले लिया। ताजमहल में फिर पर्यटकों ने नियम की धज्जियां उड़ा दी हैं। बता दें कि दिल्ली से महिला पर्यटक ताजमहल देखने आई थी। मोहब्बत की निशानी ताजमहल में प्रवेश करने के बाद महिला पर्यटक सेंट्रल टैंक के पास डांस करने लगी। उसका साथी महिला पर्यटक का डांस वीडियो बनाने लगा। जैसे ही CISF और ASI को इसकी भनक लगी, वे तुरंत मौके पर पहुंच गए और महिला पर्यटक को हिरासत में ले लिया। ताजमहल में किसी भी तरह की प्रमोशनल एक्टिविटी पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। ताजमहल में एक महिला पर्यटक डांस करते हुए अपना वीडियो शूट करने लगी। डांस वीडियो शूट करने की जानकारी होते ही CISF और ASI के अधिकारी पहुंच गए। उन्होंने युवती को अपने हिरासत में ले लिया और उससे पूछताछ करने लगे। युवती ने बताया कि डांस का एक वीडियो अपने स्वयं के लिए बनवा रही थी। वह किसी भी तरह की प्रमोशनल एक्टिविटी को प्रमोट नहीं कर रही है। महिला पर्यटक के पूछताछ करने के बाद जब अधिकारी संतुष्ट नजर आए तो युवती ने लिखित में एक माफी पत्र भी लिखा। तब महिला पर्यटकों को छोड़ दिया गया। DG महाराजा न्यूज के लिए फैजान अहमद की रिपोर्ट।